हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। जितने भी साथी नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर का बटन जरूर दबा दीजिए। फिर शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास को। बिल्कुल बिल्कुल भाई उदय प्रताप जी, मैम आ जाइए जल्दी, 8 बज चुके हैं। जैसे ही 8 बजे हम आपके सामने हाजिर हैं, बिल्कुल आपको पढ़ाने के लिए रेडी, तत्पर, तैयार। बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड वेरी गुड इवनिंग। हमने लगा मैम आ गई। अच्छा, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो भाई बिना देरी के मुझे ये बता दीजिए, आज जितने बच्चों का दिल्ली पुलिस का पेपर था, कैसा गया पेपर? मतलब पेपर में आप लोग आग लगा के आए या नहीं आए बता दीजिए भाई फटाफट से। जितने भी साथी हैं एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आज के पेपर में आग लगानी थी कि आप लोग आग लगा के आए या नहीं आए। पेपर में एकदम धुआं धुआं मच जाना चाहिए। बताओ भाई क्या हाल है। अच्छा, यूपी वालों की ओर से राम राम। मैम आज मैम हमसे पहले कैसे आ गए यार, कैसे बातें कर देते यार आप लोग तो। स्टार्ट करो मैम, आपका इंतजार था। मैं आ चुका हूँ, सुबह को क्लास नहीं हुई। हाँ बच्चे, मैं तो मेरा तो दो को है। अच्छा, आज किसी का था, आज किसी का था भाई, आज दिल्ली पुलिस का किसी का भी एग्जाम था या नहीं था? एग्जाम किसी का भी नहीं था। 8 बज गए, स्टडी अभी बाकी है। बिल्कुल राम राम भाई, राम राम, नमस्ते भाई, नमस्ते। ठीक है तो शुरुआत करते हैं। लगता है किसी का भी एग्जाम नहीं था, एक का भी मैसेज नहीं आया। पूरे सेंटर में आग लगा दी मैम मैंने। इस सेंटर में आग नहीं लगानी है, केवल जो आप पेपर दे के आ रहे हैं उस पेपर में आग लगानी थी। क्या आप वो लगाए थे? चलो कोई बात नहीं, 7 को है तो 7 को देख लेंगे, 7 को, 2 को, जैसे भी है कोई बात नहीं। ठीक है तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। तो मतलब आज किसी का भी एग्जाम नहीं था आप लोगों में से, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। ओके जी, तो सवाल नंबर पहला आपके सामने आ रहा है। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, बताइए इसका जवाब क्या। क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने ये रहा, जरा बताइए इसका जवाब क्या होगा। ऐसा ही सवाल दिल्ली पुलिस में आ रहे हैं, इसलिए पहला ही सवाल मैंने वो लिया जो दिल्ली पुलिस के आजकल एग्जाम में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर वन। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, सत श्री अकाल, नमस्ते। आपने मेरा नाम नहीं लिया भाई, भूवेंद्र सिंह राजपूत। और बताइए, क्वेश्चन नंबर पहले आप फर्स्ट आपके सामने, जरा बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने जरा बताइए। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये फिगर बनी हुई है, ठीक है, इसी फिगर है, बिना कुछ किए हम बता सकते हैं इस चीज को। वैसे तो हम बिना पेपर पेन के ही बता सकते हैं इस चीज को, कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी मैं आपको इसका यूज करके बता दी कैसे बन रहा है। देखो यहाँ पे कुछ ये बना हुआ है, यहाँ भी कुछ ऐसा है, यहाँ भी कुछ ऐसा है, और यहाँ पे एक ट्राइंगल है। अब आप सोच के देखिए, देखो केवल आपको कॉमन सेंस का यूज करना है, और आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज आनी चाहिए, दूसरे कोई चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं। अब देखो पहले इसकी मिरर इमेज बना दीजिए, जैसा यहाँ पे वैसा यहाँ बन जाएगा। ये यहाँ बना, ये यहाँ बना, ये यहाँ बना, और ये ट्रायंगल ऐसा बन गया। अब जो यहाँ पे वो सेम ऊपर बन जाएगा, ये यहाँ पे देखो यहाँ पे है बाहर की साइड, यहाँ बन गया, इधर की साइड भी है, इधर की साइड भी है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। अब ट्रायंगल का खेल है, ट्रायंगल देखिए मिरर यहाँ रखा हुआ है, ट्रायंगल का जो चोच है, वर्टिस है, वो शुरुआत हो रही है, ट्रायंगल आपके उल्टे बनेंगे, क्योंकि जो चीज मिरर के पास है वो पास में ही होनी है, या ये वर्टिक्स के पास है, वर्टिक्स ही इसका पास में आएगा। तो बताओ ऐसा जगह आप कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, बी में हो सकता है भाई। बी वाले में क्या तकलीफ है? आप लोग सी बोल रहे हो, सी और डी। बच्चे आंसर तो बी होगा ना, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। आपने जवाब सी क्यों दिया जरा मुझे बताइए, आपका जवाब जो सी आया वो क्यों आया?
अच्छा हाँ भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है, सॉरी सी सही है, इसका जवाब सी ही सही है। क्यों सही है? देखो सी में, सी और बी में केवल एक ही फर्क था, वो था यहाँ बीच में। सी में इधर बीच में स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, यहाँ बीच में कोई डायग्राम नहीं बन रहा, तो ये डायग्राम स्ट्रेट में केवल ऑप्शन नंबर सी में, बी में नहीं है। आई बात समझ में? सी आपका सही जवाब, बी नहीं है, क्योंकि जो डायग्राम बन रहा है वो बी वाला, यहाँ पे भी डायग्राम बन रहा है, तो जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपके हर एग्जाम में आ रहा है आजकल, आजकल यहाँ से आपका हर एक एग्जाम में, मतलब दिल्ली पुलिस के सारे शिफ्ट में ऐसा एक सवाल आपसे पूछा गया था, हर एक शिफ्ट में ऐसा एक सवाल पूछा गया है, कभी कभी तो दो दो सवाल भी पूछे गए हैं। सबसे इजीएस्ट सवाल है, सबसे इजीएस्ट सवाल, सवाल को देख के बता सकते हैं आप लोग, बताइए। सब बदल गए, सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, आपको देखना है ये चूहे जैसी शक्ल का जो बना हुआ है, चूहे जैसी शक्ल का ये कुछ है, देखो ये कुछ है, ये चूहे जैसी शक्ल का जो इंसान है वो इनमें से कहां पे, आपको ये ढूंढ के निकालना है। सेम बताइए कौन सा जवाब होगा, चूहे जैसी शक्ल है इसकी भाई, बताइए ये कहाँ छुपा हुआ होगा। ऐसी शक्ल आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिखेगी आपको, ऑप्शन नंबर बी में एग्जैक्टली सेंटर में डायगोनल बन रहा है, उस डायगोनल से देखोगे आप तो आपको साफ साफ झलका जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। यहाँ से सबसे इजी सवाल है बच्चे, सबसे इजी सवाल है, और आज के टाइम पे दिल्ली पुलिस में यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहा है, बहुत ज्यादा, एक दो नहीं बहुत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सोच समझ के बताइएगा भाई, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, बताओ इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए भाई, चूहे जैसी शक्ल, बिल्कुल अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ इसका जवाब क्या हो जाएगा। बच्चे आज कोई रिजल्ट तो नहीं आया अभी तक, अभी तक ऐसे कोई रिजल्ट तो आया नहीं है बच्चे। मैं अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी आपका नॉन वर्बल का ही सवाल है, क्योंकि तो आजकल एग्जाम में नॉन वर्बल ज्यादा पूछी जा रही है, इसलिए मैंने सवाल आज ज्यादा रखे नॉन वर्बल की। अब देखो यहाँ पे पता ये लगाना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, सवाल है क्वेश्चन मैम, सवाल ठीक से नहीं दिख रहा बच्चे, सवाल तो इजी सा है, पूछा हुआ है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ये सवाल किसका है, फिगर कंप्लीशन का सवाल है, फिगर को पूर्ण करें सवाल जो बनता है वहां से है। अब बताइए कैसे बनेगा, केवल आपको कॉपी करना है, कुछ नहीं है इन सवालों में, केवल आपको कॉपी करना होता है और कुछ नहीं करना, बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए इसका जवाब क्या होगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा बच्चे, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, बताइए इसका जवाब आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। शायद आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, देखो ये सवाल आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि क्या बन रहा है, देखो जो चीज यहाँ ऊपर है वो चीज यहाँ नीचे हो जाएगी, जो चीज यहाँ ऊपर है वो नीचे हो जाएगी, जो यहाँ नीचे है ये यहाँ पे नीचे की ओर है वो यहाँ पे बाहर की ओर हो जाएगी, नहीं ऊपर की ओर होगी, ये यहाँ ऊपर की ओर है, ये यहाँ ऊपर है और ये नीचे के साइड ऊपर है, सेम कहानी यहाँ हम फॉलो करेंगे, सेम कहानी यहाँ फॉलो होगी, एक डायग्राम ये ऐसे बनेगा, एक ऐसे गया, ये ऐसा बन गया, ठीक है, दूसरा आपका ये ऊपर से ही जाएगा, यूं गया और ये नीचे तक आएगा, ये ऐसे बन गया। अब देखो ऊपर वाली फिगर ऐसी बननी है, देखो ऐसी फिगर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में, ये फिगर आपको देखनी कहाँ बनी है, ऑप्शन नंबर ए में, आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया, ए फॉर आशुतोष जी, कह लो कोई बात नहीं, जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो, केवल आपको कॉपी करना होता है, जो चीज यहाँ बनी है सेम टू सेम कॉपी यहाँ कर दीजिए, एज इट इज कॉपी कर दीजिए इतने पोर्शन को, जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, वो सवाल गलती से लग गया था, अगला सवाल देखो बताओ इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा भाई, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, बताओ इसका जवाब क्या होगा। अच्छा वर्षा जी, आपका एग्जाम दिल्ली पुलिस का 1 दिसंबर को है, कोई बात नहीं, जब तक तो बहुत तैयारी हो जाएगी, आपकी रिवीजन भी 2-3 बार हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। अगला सवाल आपके लिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, एक नहीं मैं तो बोलूंगी 2.5 से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके शिफ्ट के अंदर, 2-2 सवाल देखने को मिले हैं 2.5 के पेपर से आपको। जरा सवाल देखिए बताइए इसका जवाब क्या होगा, आराम से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपके सामने फिगर कुछ ऐसी है, यहाँ बना हुआ है डी, ये है आपका बी, फिर है आपका सी, और यहाँ पे आपका एफ, ये सी और जी। देखो जब भी आपके सामने कोई भी दो फिगर दे रखी हो, पहले आप ये डिसाइड कीजिए इनमें कॉमन कितने हैं, डी बी सी एफ सी जी, सी इन दोनों में कॉमन हो गया, दोनों में क्या चीज कॉमन है, सी कॉमन हो गया, सी को उठाइए वहां से क्लॉकवाइज घूम जाइए, सी को उठा के वहां से हमें क्लॉकवाइज घूमना है, घूम गए, सी बी जी सी एफ जी सी एफ और जी। अब क्या देखना है आपको, अब जो पूछा है वो देख लीजिए, पूछा हुआ है हमसे कि बी के अपोजिट क्या होगा, अब देखिए बी और एफ एक दूसरे के आमने सामने अपोजिट हो जाएंगे, ई और जी भी आमने सामने अपोजिट हो जाएंगे, जवाब हमारा यहीं से निकल जाएगा एफ, बी और एफ क्या है आमने सामने। सिंपल क्वेश्चन, जब भी आपके सामने एक ही फिगर कॉमन होती है दोनों में, तो हम लोग ऐसे यही अप्रोच हमेशा यूज करेंगे, हमेशा एक ही अप्रोच। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। आज के शिफ्ट में फिगर काउंटिंग से भी क्वेश्चन देखने को मिला था, जरा सवाल देखिए, आज के शिफ्ट में फिगर काउंटिंग से भी देखने को मिला था सवाल, पर सवाल बहुत इजी आया था ऐसा बच्चों ने बताया, एग्जैक्टली फिगर तो पता नहीं चली, पर ऐसा बोला जा रहा है कि आसान फिगर आई थी आपके सामने, एक फिगर ये रही, बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। अगला सवाल, जितने भी साथी हैं ये क्वेश्चन ये इजी क्यों लग रहे हैं, कि आप घर में बैठ के दे रहे हैं, जब आप अभी घर में दे रहे हो तो यही सवाल आपको इजी लग रहे हैं, जब यही सेम सवाल आपके एग्जाम में आएंगे ना तब आपको टफ लगेंगे। इसका एक रीजन भी है कि आपने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी है चीजों की, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी होती है कोई भी क्वेश्चन की कि वो सवाल आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी होती है। ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ और आपको एग्जाम में ये बात फील भी हो रही होगी। सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताओ इसका जवाब क्या होगा। आपको इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये रही आपकी फिगर 1, 2, ठीक है, ऐसी बनी, और यहाँ पे ये रहा आपका ये, ठीक, फिर ये आपका ये हो गया, फिर आपका ये, फिर आपका ये, और फिर आपका ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पे ये क्रॉस, फिर ये क्रॉस, फिर ये क्रॉस, और फिर ये क्रॉस, यही फिगर बनी। आप देखो, जो देखो, अगर आप देखोगे पूरी फिगर को एक साथ, देखो बच्चे क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, क्यों घबराते हैं, क्योंकि वो इस पूरी फिगर को एक साथ देखते हैं, पर मुझे ये पूरी फिगर नहीं दिख रही है, मुझे क्या दिख रहा है इसमें, छोटे छोटे ब्लॉक्स दिख रहे हैं, मुझे एक ब्लॉक ये दिख रहा है, एक ब्लॉक मुझे दिख रहा है, एक ये ब्लॉक, एक ये ब्लॉक। जब तक आपको ये ब्लॉक्स नहीं दिखेंगे तब तक आपके लिए फिगर काउंटिंग हवा ही रहेगी। अगर आपको हवा इस डर को निकालना है तो आपको फिगर काउंटिंग दिखनी चाहिए अलग अलग फिगर। इसमें क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 है 4 का 2 8 हो गया, इसमें भी 8 हुए, इसमें भी 8 हुए, इसमें भी 8, इसमें भी 8। अब जब 2 फिगर्स को जोड़ते हैं तो भी एक नई फिगर बनती है, हमें पता है एक फिगर आपकी ये बनेगी, एक फिगर ये, मतलब हर 2 के जोड़ने पे यहाँ पे 2 बनता है, हर 2 के जोड़ने पे यहाँ पे 2 बनता है, हर 2 के जोड़ने पे यहाँ पे 2 बनता है, ठीक है। 2 2 4 2 6, 8 4 8 into 4 32 तो यही हो गया, प्लस 6 ये हो जाएगा, कितना हो गया 38 हो गया। अब बात करते हैं ऊपर जो फिगर्स बनी है,
आप सभी को पता होना चाहिए। देखो ये छोटी सी फिगर है, बड़ी काम की है। ये आपको याद होना चाहिए, इस फिगर में हमेशा तीन ही ट्रायंगल्स बनते हैं। तो इसमें तीन बन गए और तीन ही इसमें बन जाएंगे, तो कितना हो गया, छह हो गया, 14, 44। कितने पे आ गए हम, 44 पे आ गए। अब आप देखिए कि 44 से ऊपर बन रहा है या नहीं बन रहा, जरा देखिए एक बार कि 44, जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया वह सही हो, आप चेक कीजिए क्या 44 से ऊपर बन रहा है। चेक कैसे करोगे, सिंगल सिंगल हमने काउंट कर लिया, अब डबल देखिए क्या दो को जोड़ने से या फिर तीन को जोड़ने से कोई फिगर बनेगी नहीं बनेगी। इस वाले को नीचे वाले को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ने से कुछ बन रहा हो, देखिए बन रहा है नहीं। ये तो एकदम हलवा है, अभी आपको ये हलवा लग रहा है कि आपको आता है, जब यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको हलवा से ये पंचमेल खिचड़ी बन जाएगी जो आपसे पकेगी भी नहीं। ठीक है, आंसर इसका 44 आएगा, एग्जैक्ट आंसर हो गया, क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सोच समझ के बताइएगा। अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, मिसिंग नंबर का सवाल है। ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, मिसिंग नंबर ज्यादातर सवाल कौन से आ रहे हैं, मिसिंग नंबर आ रहे हैं, सीरीज के आ रहे हैं, ये सवाल आपको ज्यादा आजकल देखने को मिल रहे हैं। सही काम है भाई, हम सही बोलते हैं, एक्सपीरियंस बोलता है, एक्चुअली हम भी नहीं बोलते हैं, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस बोलता है, सारा भुगत भोगी है, इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये चीजें आपको फील होंगी वहां पे, समझे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल बताओ इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, जितने भी साथी हैं क्लास को शेयर सब्सक्राइब और लाइक। सवाल क्या है, एट एट सिक्स टू, यहाँ है 96, उसके बाद है आपकी फिगर में 15, 2, 60 और 2, 15, 2, 2 और 60, फिर आपका डैश 6, 2 नहीं 5, 6, 5, 6, 120 और डैश, बताओ इसका जवाब क्या होगा। सोच समझ के जवाब दीजिएगा बच्चे, सभी लोगों सोच समझ के जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि आपको देख के फीलिंग आ चुकी होगी कि इसमें लगना क्या है, बहुत इजी सवाल है। देखो मुझे फीलिंग कहाँ से, यहाँ से फीलिंग आई, यहाँ से मुझे फीलिंग आई, फिर मैं वो अप्लाई कर रही हूँ। सबसे बड़ा नंबर ये है, इसी को बनाना टिपिकल होगा। आप देखो 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ये आ रही है। यहाँ एक बार चेक कर लीजिए, 8 8 6 जा 48, 48 into का 2 96 हो गया, 48 into का 2 96 हो गया, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू ये बन रही है। तो वही चीज अप्लाई हम यहाँ कर देंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू यहाँ पे 120 बनेगी। तो एक्स कितना हो जाएगा, 30 4, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो जवाब हो गया यहाँ पे 4, आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। आपको देखो सवाल सारे इजी होती है, आपको लॉजिक को क्रैक करना आना चाहिए। लॉजिक क्रैक कहाँ से होगा, ये देखिए, ये वो नंबर है जहां से आपको फीलिंग आएगी कि भाई ये हो सकता है, क्योंकि तो सभी को पता है 3 4 60 होते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने में सोचने में समय लग सकता है, पर ये आपका तुरंत निकलेगा, 60 आपका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए, अगला सवाल। नमस्ते भाई, नमस्ते, आते जाओ पढ़ते जाओ, आते जाओ पढ़ते जाओ भाई। अगला सवाल देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, बताइए इसका जवाब क्या होगा। आज तो हलवा है बच्चे, मैम थोड़ा फास्ट कराइए, मैम कल मेंसुरेशन नहीं करा है बच्चे, कल क्या हुआ, सवाल सारे इंग्लिश ही इंग्लिश में थे, इसलिए मेंसुरेशन नहीं करवाया, पर आज करवाऊंगी मेंसुरेशन, क्योंकि सवाल इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक, सवाल देखिए अपना अगला, बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, दो क्लासेस आपकी परमानेंटली होने वाली है, मैथ्स और रीजनिंग, ये दो क्लासेस चाहे आंधी हो जाए, तूफान आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, ये दोनों क्लासेस आपकी परमानेंट होनी है, मैथ्स और रीजनिंग की, बस। ठीक है, अब बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, मैम यही आएगा क्या पेपर में ज्यादा, हाँ बच्चे नंबर्स के सवाल जो है ज्यादा आएंगे,
नंबर्स वाले सवाल जो होते हैं वो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए इसका जवाब क्या होगा। हाँ क्वेश्चन है 12, 20, 16, फिर है 21, 35, 28, फिर है 48, 80 और डैश। बताओ यहाँ पे क्या आएगा? आराम से सोच लीजिए, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा। ठीक है, सोच समझ के जवाब दीजिए बच्चे, सोच समझ के जवाब दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है भाई, अगर समझ में आ रहा है भाई जल्दी से बताइए, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। देखो एक पहले एक नोटिस कीजिए, एक बात अगर आपने नहीं करी नोटिस करिए, ये तो बात सीधी सी है कि इन दोनों को कुछ ना कुछ करके वैल्यू को हमें ये बनाना है, इन दोनों में आपस में कुछ करना है जिससे कि वैल्यू आपकी ये आ जाए। अब क्या करना है वो सोचिए, ये भी 20 है, ये भी 35 है, ये भी 80 है, मतलब कहीं ना कहीं 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं ना कहीं 5 का यूज हो रहा है, पर 5 यहाँ पे कहीं भी नहीं है, 5 यहाँ कहीं नहीं है, तो 5 लाना पड़ेगा। अब देखो 12 और 16 है, माइनस कीजिए, 16 माइनस का 12 कितना आ गया, 4 आ गया। अब 4 में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 आ जाएगा, कोई बात यहाँ देखते हैं, क्या पता ये लॉजिक फॉलो ना भी हो। 28 माइनस 21 कर लीजिए, 28 माइनस का 21 कितना आया, 7 आ गया, 7 में 5 का मल्टीप्लाई किया 35 आ गया। सेम काम आप यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स माइनस का 48, जो भी नंबर आया उसका 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो वैल्यू आपकी 80 के बराबर होनी चाहिए। अब बताओ इसका जवाब क्या होगा, सोच समझ के बताइए इसका जवाब क्या होगा। आप तो इजी हो गया भाई, कैलकुलेट फटाफट से होना चाहिए, बिल्कुल सही है, 64 एकदम सही है, एक्स की वैल्यू 64 आ जाएगी, 64 इसको माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो वैल्यू आपकी 80 आ रही है, एकदम सटीक जवाब है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये सारा खेल हिंट का है बच्चे, और कुछ नहीं है, सारा खेल हिंट का है कि आपके दिमाग में कितना जल्दी चीजें क्रैक करती हैं, वो क्रैक होना चाहिए। जैसे कि बीच के ये नंबर है, ये क्रैक कैसे होंगे, यहाँ पे 5 का कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होगा, ये बात हमें याद रखनी। ओके जी, अगला सवाल, मैम आपने कंफ्यूज कर दिया, क्यों भाई जरा बताइए कंफ्यूज कहाँ पे हो गए, सीधा ट्रिक बताइए बच्चे, मैंने तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। अच्छा भाई देखिए होशियार बच्चे, इंजीनियर विक्रमजीत मीना जी जो है फंक्शन में है और फिर भी क्लास देख रहे हैं, ये होता है डेडिकेशन, जो आपको भी दिखाना पड़ेगा भाई। त्योहार हुआ, फंक्शन हुआ, हर साल आते रहेंगे, पर एग्जाम एक बार ही आता है और पता नहीं बार बार कब आएगा, समझे? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल आपके सामने, बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी एक सवाल आपके एग्जाम में आया है, ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिल्ली पुलिस में आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन बच्चे, करंट अफेयर्स की तो अभी स्टार्ट नहीं हो पाई क्लास, लेकिन एक क्लास है जो आपको रात को 10 बजे होती है, रेगुलरली रात को 10 बजे, डेली रात को 10 बजे आपकी क्लास होती है, वो होती है क्लास आपकी जीके की। ये क्लास आपके बड़े काम की क्लास है, जिस पैटर्न पे मतलब जिस हिसाब से आजकल आपके पेपर आ रहे हैं, जिस दिल्ली पुलिस का पेपर आया है, जिस हिसाब से आया है उस हिसाब से आपकी ये क्लास बहुत सही क्लास है, क्योंकि इस क्लास में हम क्वेश्चंस कराते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराते हैं, हर एक सब्जेक्ट के करवाते हैं, क्योंकि मेनली सवाल यहाँ पे क्वेश्चंस का ही बन रहा है, वो आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो आप इस क्लास को रेगुलरली देखिए, आपकी काफी हद तक जीके में इम्प्रूवमेंट साबित हुआ है, जो बच्चे दिल्ली पुलिस का एग्जाम देके आए हैं उनको दिखा है इम्प्रूवमेंट, समझे? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। अगला सवाल देखिएगा बच्चे, मैम एक टॉपिक को एक वीक पढ़ाओ प्लीज। बच्चे एक टॉपिक अगर एक वीक पढ़ेगा ना, सब लोग भाग जाएंगे, कोई पढ़ने ही नहीं आएगा। मैं तो पढ़ा दूंगी एक टॉपिक को, एक हफ्ते मेरे को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर आप पढ़ नहीं पाओगे, समझे? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अब बताओ क्या है, 4 माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस का 9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 51, ये आपका है। अब देखा है यहाँ पे किस चीज को इंटरचेंज करें, इंटरचेंज करने वाली बात ऐसी जो मैंने बताई हुई है, देखो
यहाँ पे डिवाइड रखा हुआ है, बिल्कुल सही जगह पे रखा है। यहाँ जो डिवाइड रखा है वो बिल्कुल सही जगह पे रखा है। डिवाइड को अदली बदली करोगे दिक्कत हो सकती है। देखो पहले वाले में क्या है, मल्टीप्लाई और प्लस को बदलना, मल्टीप्लाई और प्लस को बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ प्लस कर दीजिए और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई हमें दिक्कत, कोई खास दिक्कत नहीं आनी। फिर है डिवाइड और मल्टीप्लाई को, डिवाइड यहाँ की जगह यहाँ आ जाए तो भी दिक्कत नहीं, डिवाइड यहाँ आ जाए और मल्टीप्लाई यहाँ आ जाए तो भी ज्यादा कोई समस्या नहीं आएगी। प्लस को और माइनस को, प्लस और माइनस को बदल दे, यहाँ प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो भी कोई खास दिक्कत नहीं आनी। माइनस और डिवाइड को, माइनस और डिवाइड को देखो ये नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे माइनस आने में दिक्कत हो सकती है, नहीं होगी दिक्कत। मतलब आपके पास चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो आप यूज कर सकते हैं, चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो आप यूज कर सकते हैं। सारे सवाल ऐसे हैं जो आप यूज कर सकते हो, तो आपको केवल हिट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करना है, वन बाय वन फॉलो कीजिए, जवाब निकालिए। अब ज्यादातर बच्चों का ऑप्शन आ रहा है सी वाला, प्लस को और माइनस को बदलना, बदल देते भाई, प्लस और माइनस को बदलते हैं, ट्राई यहीं से करते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। 4 ये मल्टीप्लाई बाय 5, 9 डिवाइड बाय 3। पहले हम बॉड मास का रूल अप्लाई करेंगे, बॉड मास मतलब पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई, तो पहले इसको डिवाइड करो, 3 3 जा 9 हो गया, फिर मल्टीप्लाई पे आए, 5 10 जा 50 हो जाएगा, माइनस का ये और प्लस का 4, तो जवाब हो गया 50 प्लस का 1 51, एकदम सही जवाब है, 51 आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 51 आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया, एकदम सही जवाब है, सबको समझ में आया, कोई भी कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है। नहीं आप इंक, क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए अगर आपको समझ में आ रहा है भाई, क्लास को शेयर करते जाइए, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कीजिए भाई, क्योंकि यही चीजें जो एग्जाम में बार बार आ रही हैं और आप इनको इग्नोर करते हो, इसी वजह से आपका स्कोर प्रॉपरली नहीं बन पा रहा है, पता है? तो इन चीजों पे वर्क कीजिए, इनको इग्नोर मत कीजिए आप, समझे? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है, बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसका जवाब देखिए और बताइए इसका जवाब के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। जितने भी साथी नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिए। अगला सवाल देखिए, सवाल है आपके सामने ऑप्टिमिस्ट, क्वेश्चन है ऑप्टिमिस्ट, ठीक है, और इसको हमने क्या लिखा है, टी एस आई एम आई टी पी ओ, टी एस आई एम आई टी पी ओ, ऑप्टिमिस्ट को मैंने ये लिख दिया है। अब पूछा हुआ है पैसिमिस्ट को मैं क्या लिखूंगी, क्या पूछा है हमसे, पैसिमिस्ट पीई डबल एस आई एम आई एस टी, क्या लिखूंगी? पहली बात सोचने वाली ये, जब भी आपके सामने कोडिंग रिकॉर्डिंग आती है, पहले एक बार नजरों से जरा देख लीजिए कि है क्या। अगर आप ढंग से देखोगे तो ये केवल रीअरेंजमेंट है, कुछ भी प्लस और माइनस नहीं हुआ है, केवल रीअरेंज हुआ है। O को यहाँ लिखा, P को यहाँ, T को यहाँ, I को यहाँ, M को, मतलब रीअरेंजमेंट भी नहीं है, सीधा रिवर्स ही कर दिया गया है। कर दीजिए P S I M I S S E और P, बिल्कुल सही जवाब है। अब आप चेक कर सकते हैं ऐसा कहाँ पे, T S I M I डबल S E P, ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जैक्ट आंसर, बिल्कुल सटीक आंसर है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या हुआ भाई, इतनी हंसी काहे आ रही है, इतनी हंसी का राज बता दो भाई, दांत बाहर आ जाते हैं, इतना नहीं हंसना चाहिए, दांत टूट जाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बच्चे पहले एग्जाम तो जाने दीजिए, जब आज सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, देखने के बाद बच्चों के रिव्यूज क्या रहते हैं, कितने पेपर वो करके आए, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा बच्चे कि कितना रहेगा कट ऑफ। क्या पता जो आगे पेपर आने वाले वो ज्यादा इजी हो जाए
बच्चों में ज्यादा स्कोर कर ले तो कट ऑफ ऊपर जा सकती है ना, वो तो फर्क पड़ेगा कि कैसा एग्जाम होने वाला है। अभी बाकी शिफ्ट भी रह गई है, सारे एग्जाम्स होने के बाद फिर कट ऑफ निकलती है, ऐसे थोड़ी निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल देखिए, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में निम्नलिखित सवाल क्या है, एक सेकंड देख लेते हैं मैम, ये दांत निकले ही हैं। क्या है सवाल आपके सामने है कि दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बन सकता, कौन सा वाला नहीं बन पाएगा? अब आप चेक करिए, बेस BASE, बेस में सारे अक्षर अवेलेबल हैं। सॉल्व को देखते हैं, सॉल्व नहीं हो पाएगा। सॉल्व क्यों नहीं हो पाएगा, देखिए SOLV, सॉल्व में क्या है, वी है। सॉल्व में एक्स्ट्रा शब्द, एक्स्ट्रा लेटर कौन सा है, वी एक्स्ट्रा लेटर है, जो कि आपका एब्सोल्यूट में अवेलेबल ही नहीं है। एब्सोल्यूट में यू है लेकिन वी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं बन सकता किससे, एब्सोल्यूट। तो जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंसर आपका डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सवाल नंबर नेक्स्ट सोच समझ के बताइए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन अ रो ऑफ बॉयज तारक इज 18 फ्रॉम ईदर एंड, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन अ रो, बताइए। क्वेश्चन आपके सामने, एक किसी रो में तारक जो है 18 फ्रॉम द ईदर एंड है, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन अ रो, सोच समझ के जवाब दीजिए। सवाल आपके सामने बताइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ इन अ रो, एक रो में तारक कहाँ पे 18 फ्रॉम इधर एंड, तारक जो है दोनों साइड से 18 थे। देखो हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, तारक जो है दोनों छोरों से, दोनों छोर से 18 पे है, सीधा फॉर्म लगाइए, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस कवन, दोनों ही साइड से 18 है, 18 + 18 माइनस कवन, कितना हो गया 35, कितना हो गया 35। सोचने की कोई बात ही नहीं थी, ना कुछ ड्रॉ करना है ना कुछ करना है, सीधा फॉर्मूला लगाइए, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, सीधा कैलकुलेट करते, 18 इधर से 18 इधर से, 18 टू जाए 36 माइनस का 1 35। ओरल सवाल था, कुछ करने की जरूरत ही नहीं था, फ्री के नंबर, इसे बोलते हैं हम फ्री के नंबर भाई। अगला सवाल देखते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल आपके सामने, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, सोच समझ के जवाब दीजिए, इसका जवाब आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, बताओ। क्या हुआ भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए इसका जवाब आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। मैम हमें इग्नोर कर रहे हैं, दर्शन लाल जी भाई, हम काहे इग्नोर करेंगे मैम, मैम नींद आ रही है, सो जाइए आराम से। सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइएगा इसका जवाब, एक सेकेंड, सवाल मैं कल पढ़ लूं मैम, कमेंट से आप मोटिवेट होती हो, बिल्कुल होता ही है भाई। आप एक बात सोचिए, अगर मैं आपसे बातें ही ना करूं, दिन भर पढ़ाती रहूं, तो आप मोटिवेट होंगे नहीं, आपको टाइम से टाइम डोज सही होता है, उस डोज के लिए मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो मुझे भी चाहिए होता है ना, वही डोज आपसे मिलता है, जब आप बार बार कमेंट करते हैं तो पता चलता है, हाँ भाई यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आपकी जिंदगी में भी और हमारी जिंदगी में भी, समझे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना अगला, क्या है, पूनम टोल्ड अक्षय डेट, पूनम ने अक्षय से कहती है, पूनम जो है, पूनम कह रही है किससे, अक्षय से कह रही है, अब क्या कह रही है सुनिए, कल उसने अक्षय की इकलौती बहन, अक्षय की इकलौती बहन, अक्षय की एक ही बहन है, अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री, उसके बेटी स्नेहा, स्नेहा को विद्यालय में ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया था,
अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है बताइए, कितना आसान है। देखो कौन है इसका नाम, पूनम है ना। हाँ, पूनम ने अक्षय से बोला कि अक्षय की उसकी इकलौती बहन की जो बेटी है उसको उसने ताइक्वांडो की जो प्रतियोगिता है उसमें हरा दिया। अब सवाल हमसे ये पूछा है, अक्षय स्नेहा से संबंध क्या रखता है। देखो अक्षय क्या लगा इसका बताइए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। देखो ग्रैंडफादर तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं ग्रैंडफादर, बी फादर होगा नहीं, सी कजन होगा नहीं, बचा क्या अंकल। ये इसका अंकल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अंकल जी है भाई। क्या हो गए, अंकल जी बिल्कुल सही जवाब है, अंकल आपका सही जवाब है। ठीक है भाई। मैम हमें भी चाहिए क्या चीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। अगला सवाल आपके सामने गिर रहा, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने गिर रहा, बताइए इसका जवाब क्या होगा। अगला सवाल आपके सामने अवेलेबल है, सोच समझ के बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। बताओ भाई मेरे शेरों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इसका जवाब क्या। आजकल पता है सीरीज तो ट्रेंडिंग में चल रही है, सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है, सीरीज तो ढंग से आप पढ़ ही लीजिएगा, समझे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल आपके सामने अवेलेबल है, साफ नहीं दिख रहा इतना बड़ा बड़ा। आपकी आवाज बहुत प्यारी है, किसी की नजर ना लगे। अच्छा शुक्रिया। और बताइए भाई, ब्लड लेचन वाले करवा दो, करवा देंगे। मैम आप डिजिटल बोर्ड ले आइए, इतने पैसे नहीं है, इतने डिजिटल बोर्ड के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, बताए आपको कहाँ से आएंगे इतने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल आपके सामने अवेलेबल है, सवाल है 9, 18, 72, 576 और डैश। जब भी आपको डिजिटल बोर्ड की याद आया ना तो सोच लीजिएगा ऐसे कितने लोग हैं आज के टाइम पे जो हमारे कंट्री में बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट में हैं, जो स्ट्रीट लाइट में पढ़ के पास हुए हैं। पता है आपको, आपको तो फिर भी फोन मिल रहा है पढ़ने के लिए। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम से आप जानते हैं जो स्ट्रीट लाइट में पढ़ के पास हुए हैं। जब भी आप डिमोटिवेट होते हैं ना कि मैडम डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो एक बार उन लोगों के पास सोच लिया करो कि वो उन लोगों के पास पढ़ने का साधन भी नहीं था और फिर भी वो पास होके आज इतनी अच्छी जगह पे हैं। तो भाई इतना तो आपके लिए बहुत है। बताओ अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो साफ साफ दिख रहा होगा, झलक रहा है साफ साफ, झलका या नहीं झलका आपको। अब देखो ये क्या है, 9 2 18 दिख रहा है, ये नंबर आपको मल्टीप्लीकेशन का, सभी को पता है, सभी को कोई दिक्कत हो गई, ये मल्टीप्लीकेशन में है। 18 4 जा, दिक्कत नहीं है। 72 8 टाइम्स होगा, ऐसा मैं तुक्का लगाया, तुक्का क्यों लगाया समझना। ये 2 टाइम्स है, 2 का दुगना यहाँ पे हुआ, इसका दुगना यहाँ पे होना चाहिए था, और दुगना जब मैंने किया तो इकाई चेक करी, 8 2 जा 16, इकाई में 6 आ रहा है, तो मैंने अंदाजा लगा भाई होगा यही। आगे क्या होगा, 16 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 6 6 जा 36, तो इकाई में 6 आना चाहिए। अब यहाँ पे 6 तो हर जगह आ रहा है, इकाई में 6 आना चाहिए था, पर 6 हर जगह आ रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना ही पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करके देखना ही पड़ेगा। मल्टीप्लाई कीजिए, पटना का सुपर 30, वही तो मैं बोल रही हूँ, तो भाई क्या दिक्कत है, आपको इसमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। जवाब आएगा 9216। ओके जी, कोई तकलीफ। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नहीं बच्चे यहां से बफरिंग बिल्कुल नहीं हो रही, मैम पहली बार आपकी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। बच्चे डेली क्यों नहीं आते हो, डेली आया करो, पढ़ने मजा आएगा आप लोगों को भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल आपके सामने, बता दीजिए जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, बताओ इसका जवाब क्या होगा। देखिए भाई, इसमें हमको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। इजी क्वेश्चन है, केवल डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर ही अरेंज करना है। अरेंज करते हैं अपन लोग। सवाल है सी ए डी ए आर टी आर ए डबल एल वाई, इतने टिपिकल से शब्द हैं, सी ए डबल डी आई एस एफ एल आई ई एस। उसके बाद है सी ए डी यू सी आई टी आई ई एस। फिर है सी ए डबल डी आई एस डब्लू ओ आर एम एस। फिर है सी ए डी ई टी एस एच आई पी एस। ठीक है, सवाल देखिएगा, बताइएगा इसका जवाब हो जाएगा। मैं एक बार इसको हटा देती हूँ, बस ये लीजिए। ठीक है, अब देखो अरेंज करें इनको, पांच ही है, एक दो तीन चार पांच, पांच ही है। अरेंज करते हैं अपन लोग, इजी होगा, टफ तो होता ही नहीं है। सबसे पहले सी है सब जगह, आप चेक कर लीजिए करें, जो शब्द सब जगह कॉमन है, मतलब एक ही आना चाहिए, सब जगह सी है, एक जगह भी डिफरेंट होगा तो हम वो काटेंगे नहीं, सब जगह सेम आना चाहिए। यहाँ सब जगह ए है काट दीजिए, सब जगह डी है काट दीजिए, अब नहीं, ए डी यू डी ई, ए डी यू डी ई। अब चेक करो, ए इधर है, डी इधर है, यू इधर है, डी इधर है, आई इधर है, छोटा क्या है, ए छोटा है, तो पहले नंबर पर तो यही आएगा। ए से बड़ा क्या है, डी डी या ई, डी बड़ा है। अब डी में दो केस है, तो उसके अगला चेक करिए, आई आई एस एस एफ और डब्लू, छोटा क्या है, एफ छोटा है, तो सेकेंड नंबर ये हुआ, थर्ड नंबर ये हो गया। अब डी से बड़ा क्या है, ई बड़ा है, तो चौथा ये हुआ और पांचवा ये हुआ। अरेंज कर दीजिए, फर्स्ट पे फर्स्ट, सेकेंड पे सेकेंड, फिर आपका चौथे नंबर वाला आएगा, फिर आपका पांचवा और फिर आपका तीसरा। 1 2 4 5 3, 1 2 4 5 3 आपका एग्जैक्ट आंसर है। बताओ भाई, सुमित पाल जी कहते हैं, मैं मेरा मोबाइल बच गया टेबल पे, पढ़ते पढ़ते मेरा हैंड से गिर गया, डिस्प्ले टूटने से बच गई, ओनली ग्रास ही क्रैश हुआ, क्रैक हुआ है। अच्छा भाई, ए फॉर अपना पराया राहुल भाई, क्या हुआ भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्लियर है सभी को, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक सेकेंड, अगला सवाल देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, अगला सवाल देखिए, बताइए इसका जवाब आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, बताइए इसका जवाब आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। बताओ भाई, अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोच समझ के बताइए इसका जवाब क्या होगा। मैम नींद आ रही है, किसको, आपको, सो जाओ भाई, पढ़ाई लिखाई तो क्या है, दो चार दिन की बातें हैं, क्या फर्क पड़ेगा, एक दो दिन नहीं पढ़ेंगे तो। अगला सवाल देखिए, बताइए इसका जवाब क्या हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सवाल है, 41 माइनस का 22, 82 माइनस का 44, 63 93, 83 64, बताओ इसका जवाब क्या होगा। सोच समझ के बताइए भाई, सोच समझ के बताइए इसका जवाब के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। क्वेश्चन आपके सामने, सोच समझ के आपका जवाब देना है। बताओ भाई क्या हो सकता है इनमें, पहले आप लोग सोचिए फिर बताती हूँ मैं। लॉजिक इसमें इतना अच्छा लॉजिक नहीं है, आप अच्छे से क्वेश्चन डिफाइन कर रहे हो। अच्छा जी मैम, 10 दिन में ही मेरा रीजनिंग अच्छा कर दिए, क्या बात है राहुल जी,
सवाल देखो बताओ कैसे होगा। 9 बजे तक क्लास चलती है, अच्छा बी इंक्रीज हो रहा है। सोचिए, आप लोग अपना दिमाग लगाइए, फिर मैं लगाती हूँ अपना दिमाग। पहले अपना दिमाग आप लोग लगा लो। चारों विकल्प में से एक होगा, बताइए। आप लोग अपना दिमाग लगाइए। पहले हम माइनस करते हैं, माइनस कर दें, कितना आएगा आपका? 19 आएगा, 19 आ रहा है। माइनस कीजिए इसको, कितना आएगा आपका? 38 आएगा। आ रहा है भाई, माइनस करते जाओ भाई। यहां माइनस कीजिए, कितना आ रहा है यहाँ पे? 30 आ रहा है भाई। करो भाई माइनस, और यहां माइनस कीजिए, कितना आ रहा है भाई? 15। हाँ 15 आ रहा है, बिल्कुल सही। बताओ बताइए क्या होगा इसका जवाब। अब ध्यान दो, देखो डिफरेंस करने पे यहाँ 19 आ रहा है, यहाँ 38 आ रहा है, यहाँ 30 आ रहा है, और यहाँ 19 आ रहा है। जवाब क्या हो सकता है? सभी का बिल्कुल सही है। एक बात हमने यहां से कॉमन क्या देखी, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, ये तीनों ही नंबर जो है 19 के मल्टीपल में आ रहे हैं, पर ये नंबर 19 के मल्टीपल में नहीं है, इसलिए हम इस वाले को अलग मानेंगे। 63 93 ऑप्शन आप कर लीजिएगा, मैंने शायद नंबर लिखने में गलती कर दी है। ऑप्शन में ऊपर नीचे हो चुका है, हमारा सही जवाब क्या हुआ? ये वाला 63 93 को मैच करेंगे, 30 आएगा, और यही हमारा एकदम सही जवाब है। यही बाकी सबसे अलग, एक अलग क्यों बता दिया आपको? क्योंकि तो डिफरेंस करने पे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे 19 के मल्टीपल में, वो हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है, बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, बताइए इसका जवाब क्या होगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बताइए भाई अगला सवाल आपके सामने ये रहा, बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सोच समझ के सभी लोग जवाब देंगे भाई। जवाब दीजिए सोच समझ के, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। सवाल गलत, सवाल गलत कहाँ है भाई? कौन सा गलत हो गया आपका सवाल, बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, 10:105 20:डैश। अब देखो कैसे होगा, ये नंबर कैसे आएगा? अब देखो 10 का स्क्वायर किया और मैंने प्लस क्या किया, 5 को प्लस किया, क्यों? 10 का आधा हो गया, मैंने मान के चले। सेम ये करिए, 20 का स्क्वायर कीजिए, 400 हो जाएगा। 400 में प्लस कितना करते हैं? 20 का आधा, 10 को प्लस कर दीजिए, कितना आएगा? 410। अब ऑप्शन में चेक करिए, है बिल्कुल है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। कभी कभी क्या होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं, तो वही कहानी इसकी है। हम लोग कभी कोई और टिपिकल लॉजिक लगाने का सोचते हैं, जबकि ये सवाल तो इजीली सॉल्व हो गया, कुछ किया ही नहीं हमने। हमें पता ही है 100 से 10 से 100 जाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर जो बचा कुछ नंबर उसको हमने प्लस कर दिया, जवाब इतने से ही आ गया, आंसर आपका इतने से ही निकल के आ गया। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ये जो सवाल है आपके एग्जाम में, मैम कौन इंसान रीजनिंग, मैम को ठंड लगती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ठंड होती नहीं है बच्चे, इतनी यहाँ पे इतनी ठंड होती ही नहीं है।
नाइन्थ क्वेश्चन में फर्स्ट का फर्स्ट से मल्टीप्लाई और सेकंड के सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, बताओ इसका जवाब। क्वेश्चन देख लीजिए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 54:9 डबल रेशो डैश रेशो 2। अब आप सवाल देखिए, 9 कैसे आया होगा? 9 को सोचिए, देखो एक लॉजिक तो ये, 5+4 को प्लस कर दीजिए, 5+4 9 होता है। अब 2 कैसे आएगा? 11 को लिख लीजिए, 1+1 कितना हो गया? 2 हो गया, तो सही जवाब आपका 11 हो जाएगा। 11 एग्जैक्ट आंसर है, 11 जो है आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? सबको सवाल क्लियर है, तो क्लास को इतना ही रखेंगे। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम आ रहा है वो टिपिकल नहीं आ रहा, केवल क्वेश्चन ऑप्शंस में वो आपका खेल रहा है, याद रखिएगा। इतने बच्चों से मेरी बात हुई है, सवाल जो मैं जितने ही मेरे को सुनने को मिले कल और आज में, सवाल सारे बहुत ईजी थे, जिनका भी आगे एग्जाम से उनको काम आएगा। सवाल सारे ईजी है, कॉमन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर सीरीज, कोड एंड डिकोडिंग, आपका वेन डायग्राम हुआ, और आपका नंबर सीरीज एनालॉजी हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, और आपका नॉन वर्बल का पार्ट हुआ, जो कॉमन चीजें होते हैं। फिगर काउंटिंग से भी आज सवाल देखने को मिला था, ब्लड रिलेशन से भी आज देखने को मिला था, कल वो भी नहीं आया था आपका। सारे कॉमन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक सवाल आपका ये सिंबल्स वाला जो होता है ना उसको देखने को मिल जा रहा है। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, केवल पेशेंसली आपको सॉल्व करना है, आपको सब कुछ आता है, याद रखिए। दिल को केवल इतना बोलिए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोलना है, केवल आपको आता सब कुछ है, केवल उसको सिस्टमेटिक वे में वहां पे परफॉर्म करना है, केवल परफॉर्म करना वहां पे आना चाहिए, बाकी सब कुछ आपको आता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्लास को हम ऑफ करते हैं, अभी हम 9 बजे मिलेंगे आपके साथ मेंसुरेशन की क्लास में। ठीक है, मुलाकात होगी वहीं पे आपको। अगर आपको अच्छा लगा हमारा क्लास, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा। टेक केयर, बाय।